हेलो वेलकम टू अवर शो आईपीएल फीवर प्रेजेंटेड बाय कोकोवा बीन्स पावर्ड बाय एचएस कंसल्टिंग को स्पॉन्सर्ड बाय तथागत ज्ञान स्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल अतर्रा प्रॉपर फिनवेस्ट एंड अलायंस स्टेशन। खेल से खिलाड़ी तक, हार से जीत तक, किस खिलाड़ी को मिलेगा मौका और कौन करेगा आराम, मैच की हर अपडेट हम देंगे आपको एक अलग अंदाज में अपने शो आईपीएल फीवर में। आज का मैच बेहद ही रोचक होने वाला है क्योंकि दो बेहतरीन टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स। इस पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ में स्पोर्ट एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण मोहन जी। तो कृष्ण मोहन जी, आज आप का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने जन संदेश टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट आईपीएल फीवर में। अगर हम बात करते हैं आरसीबी की, तो क्या लगता है इस बार आरसीबी अपने पिछले मैच को देखते हुए इस बार कोई टीम में बदलाव कर सकती है या नहीं? जहां तक आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी बहुत पहले से पैटर्न चेंज करती रही है। हर मैच के पहले वो दो खिलाड़ी तीन खिलाड़ी चेंजेस करते हैं। करेक्ट करेक्ट सही। मैं जितना भी देखता आ रहा हूँ मैचेस में, विराट कोहली का पैटर्न बन चुका है, वो एक मैच खेलते हैं दूसरे मैच में उस खिलाड़ी को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि वो मैच में दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। पर ऐसा क्या है कि वो कहते हैं कि वो एमएसडी को काफी हद तक फॉलो करते हैं, पर जब टीम की बात आती है तो वो रिप्लेस करते हैं, ऐसा क्या है? क्या उनके कोई मतलब लाइक ऐसा क्या है? मजाक किया भी आपने कि वो एमएसडी को फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो एमएसडी को फॉलो करते हैं क्योंकि एमएस धोनी का एक रिकॉर्ड है। आप पिछले बहुत सारे सीजन से उठा के देख लीजिए, एमएसडी कभी अपने प्लेयर्स को गिरने नहीं देते हैं। वॉटसन पिछले आठ मैचों में, पिछले सीजन में मैं देख रहा हूँ, पिछले आठ मैचों में एक मैच नहीं खेल पाए थे सही से, 0-9-8 रन ऐसे बना रहे थे लेकिन मौका दिया गया, सेमीफाइनल में 99 रन बनाए, मैच जीत के लेके गए। तो एमएसडी को फॉलो करना आसान है लेकिन एमएसडी की तरीके से बनना बहुत बड़ी चीज है। पर अगर देखा जाए तो अगर हम आरसीबी अपने जो उनका एक अहम प्लेयर है सचिन बेबी, उसके बारे में आपको क्या लगता है, इस बार उनको रिप्लेस कर सकती है आरसीबी? पहला मैच है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही मैं मानता हूँ, बट मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए, बिल्कुल। अगर हम नवदीप सैनी की बात करें तो वो एक बेहतरीन बॉलर भी हैं, तो क्या लगता है इस बार उनको खेलने के चांसेस क्या है, उनके खेलने के इस बार चांसेस आज के मैच में? तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले नवदीप सैनी इंडिया के लिए खेल चुके हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, करेक्ट है, हाँ। इंडिया से बाहर हुए, इंडिया के मैचेस को खेलने को नहीं मिला उनको, उसके बाद डोमेस्टिक मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उसके बाद से आरसीबी ने भी खिलाना बंद कर दिया, ऑलमोस्ट मैचेस में वो पवेलियन में ही रहते हैं। तो हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए और काइल जेमिसन को बैठा के, या मैं कहता हूँ सचिन बेबी की जगह पे दे सकते हैं उनको मौका, क्योंकि अच्छे फास्ट बॉलर है और शारजाह की पिच जो है बहुत छोटी पिच है, बहुत छोटी पिच है और वहाँ पे छक्के बहुत लगते हैं, सही बात है, हाँ। और हम अगर बात करते हैं हंसरंगा की, अगर हम बात करें तो क्या इस बार उनको खेलने के क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, वनेंदु हंसरंगा श्रीलंका का बहुत बड़ा नाम है, बॉलिंग ऑलराउंडर, बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी जस्ट मैंने जब मैं मैच देख रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ा नाम सुना, सिंगापुर के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है टिम डेविड, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, उनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से आई थिंक, क्योंकि टिम डेविड का अगर देखा जाए, पुराना रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, वो अब इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, जैसे हैदराबाद के लिए अब्दुल समद है, इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले लेकिन एक बड़ा नाम है, तो टिम डेविड भी बहुत बड़ा नाम है, उनको मौका दिया जा सकता है, उनको टिम डेविड को मौका दिया देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो एक उन्होंने भले इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हो बट उन्होंने अपने डोमेस्टिक मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एबी डिविलियर्स की और मैक्सवेल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले मैच में वो काफी फ्लॉप साबित हुए थे, तो क्या लगता है इस बार वो आज के मैच में कोई बड़ा कारनामा कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आती है एबी डिविलियर्स रेगुलर अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, वो बात अलग है, मैच में जब वो पिच पे रहते हैं तो उन लोगों की उम्मीदें बंधी रहती है कि अब इस मैच में कुछ भी हो सकता है, दिन खराब होना एक अलग चीज होती है, तो एबीडी का मैं मान सकता हूँ पिछला मैच दिन खराब था, हो सकता है अगले मैच वो 99-100 तक मार सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैक्सवेल की बात की जाए तो T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, रोहित शर्मा के बाद वो इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसके पास सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज है, T20 में उन्होंने काफी सेंचुरीज मार दी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो दो सेंचुरीज हैं शायद आई थिंक मेरे हिसाब से, तो मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम है, मौका मिलेगा मैक्सवेल तो खेलेंगे ही खेलेंगे, डेफिनेटली खेलेंगे।
और एबी डिविलियर्स को निकालने का किसी में मादा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। पर अगर हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, अगर हम बात करते हैं तो उनका एक, चूंकि एमएसडी का एक पैटर्न है, वो अपनी फिक्स प्लेइंग 11 के साथ ही खेलते हैं, तो क्या आज के मैच में कोई बदलाव हो सकता है? चूंकि अभी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि एमएसडी अपनी टीम में कोई भी बदलाव करेंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अच्छा प्रदर्शन करके गए, जडेजा अच्छा प्रदर्शन करके गए, विन ब्रावो ने विकेट भी लिए, इसके अलावा बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, 28 रन बनाए। मुझे नहीं लगता किसी को बदलाव में लेके आएंगे। हाँ, अंबती रायडू एक ऐसा नाम है क्योंकि वो उस टाइम पे इंजर्ड है, अगर आज के मैच में वो नहीं दिखाई देते हैं तो उनकी जगह पे एन जगदीशन को आप खिला सकते हैं। हाँ, एमएसडी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है और वर्ल्ड क्लास फिनिशर भी माने जाते हैं, और उनकी कप्तानी में उन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस भी जिताए हैं। पर अगर हम बात करते हैं पिछले 8 मैचों की, तो केवल पिछले 8 मैचों में अगर देखा जाए तो 10 की औसत से उन्होंने मात्र 40 रन ही बनाए हैं, और इस बार उनका बल्ला भी काफी शांत सा नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि आज के मैच में एमएसडी का क्या कुछ इतना कहना रहेगा? किसी के लिए 8 मैचेस की परफॉर्मेंस उसकी पुराने परफॉर्मेंस को गिरा नहीं सकती है, मुझे लगता है। जहां तक एमएसडी एक ऐसा खिलाड़ी है, ऐसा कप्तान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज उठाई हैं, बिल्कुल, इंडिया की कप्तानी के तौर पे। तो मुझे नहीं लगता एमएसडी को, हाँ एक चीज एमएसडी कर सकते हैं, वो अपने क्रम में बदलाव करके ऊपर आ सकते हैं, अपने ऊपर आ सकते हैं, थोड़ा सा बैटिंग में थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल, टाइम देते हैं तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अगर हम बात करते हैं मोइन अली की बात करें तो ये काफी बड़ा नाम है, और सीएसके हमेशा इस पर दांव लगाती है क्योंकि अच्छा खेलते हैं, पर पिछले परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो पिछले परफॉर्मेंस भी फ्लॉप से साबित हुए थे। तो क्या इस बार एमएस धोनी वापस से मोइन अली को लेकर उतरेगी, या फिर इस बार कोई चेंजेस कर सकते हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, पहली बात तो मोइन अली काफी समय से दांव नहीं लगा रही है, क्योंकि फर्स्ट सीजन है मोइन अली का सीएसके के लिए। इससे पहले वो आरसीबी में हुआ करते थे, और आरसीबी के लिए भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा खेला हुआ है आरसीबी के लिए, अच्छा खेलते भी हैं लेकिन ये है कि मोइन अली को बॉलिंग ऑलराउंडर और फिनिशर के रूप में यूज किया जा सकता है, उनको हम नीचे क्रम पे लेके आ सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम है, सुरेश रैना है, सुरेश रैना को अगर 3 नंबर पे 4 नंबर पे हम मौका देते हैं मोइन अली को नीचे खिला के, तो हमें लगता है सुरेश रैना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, फिनिशर यूज कर सकते हैं। करेक्ट, पर फिनिशर के रूप में तो आपको पता ही है वर्ल्ड क्लास कौन फेमस है, बट बल्ला तो नहीं चल रहा ना अभी। अरे आज तो बल्ला नहीं चला तो क्या, मतलब पिछले 8 मैचों में से बल्ला जैसे नहीं चला है, बट हाँ हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी उम्मीद ये है कि हम एमएस धोनी के बल्ले से हम बड़े बड़े शॉट देखने को हमें मिल सकते हैं, और दर्शकों के जो उनके फैंस हैं वो काफी दिनों से अगर बात करते हैं तो एमएस धोनी के बल्ले को चलता हुआ देखना चाहते हैं उनके, जब वो एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं, अगर उनका देखा जाए हेलीकॉप्टर शॉट, हम लोग काफी जो फैंस हैं, क्योंकि मैं खुद एक एमएसडी का काफी बड़ा फैन हूं, तो आज हो सकता है कि हमें कुछ हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिल सकते हैं आज के मैच में। जरूर देखने को मिल सकते हैं, अगर अपने क्रम में बदलाव करके ऊपर आते हैं, अपने बैटिंग को टाइम देते हैं, तो आई थिंक मैं सोचता हूं कि हां उनको अच्छा करने का टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बैटिंग में टाइम देना ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम किसी भी खिलाड़ी को लेकर जाएं, अगर विराट कोहली कोई भी बात करें तो 3 नंबर पे खेलते आए हमेशा से, तो 3 नंबर पे, और T20s में तो अगर स्पेशली देखा जाए तो 1 नंबर पे आते हैं, मतलब ओपनिंग कर रहे हैं वो, तो अपनी बैटिंग को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं वो। एमएसडी के साथ में यही दिक्कत है कि वो 5 नंबर और 7 नंबर पे खेलते हैं हमेशा, आदमी उनके साथ क्या सोचता है कि इनको मैच फिनिशर देखें, लास्ट पंचिंग शॉट जो है सिक्स हम उनके हाथों से देखें। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बेसिकली उसी का इंतजार रहता है कि जो लास्ट बॉल पे जो चौका और छक्का लगना है वो एमएस धोनी के बल्ले से ही लगे, हाथों से लगे। अगर हम जैसे देखते हैं कि अंबती रायडू, अगर हम रायडू की बात करते हैं तो पिछले मैच में वो चोटिल हो गए थे, तो क्या इस बार कोई वो उतरेंगे आज मैच के मैच में, या फिर उनको बदलाव कर सकते हैं? नहीं लगी थी, फिजियो के पास गए हुए थे, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि उनको मौका दिया जा सकता है, रोका जा सकता है कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि चोट जो तो अभी लंबे मैच है, अभी बहुत लंबे मैच है, सीरीज अभी बची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फर्स्ट हाफ चल रहा है, सेकंड हाफ चल रहा है, तो अभी मैचेस हैं उनके, मैचेस हैं अभी, बिल्कुल उनको आराम आराम दिया जा सकता है, बिल्कुल उनको खिलाया जा सकता है, खिलाया जा सकता है। करेक्ट करेक्ट। अगर पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो एमएसडी अपने स्पिनर्स पर काफी भरोसा करते दिखाई देते हैं, तो क्या लगता है कि आज के मैच में इमरान ताहिर या सिनिस्टर को खेलते हुए देखा जा सकता है? इमरान ताहिर और मिशेल सेंटनर सच में देखा जाए तो नाम है, इमरान ताहिर पे दांव भी खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, कोई शक नहीं है, लेकिन आज का मैदान है शारजाह का क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह जहां पे लंबे लंबे छक्के और चौके लगते हैं, और दर्शकों को उसी का इंतजार रहता है, मौका देखता है बैट्समैन कि हमको एक मौका मिले और हमारे पाले में गेंद गिरे। तो मुझे नहीं लगता इमरान ताहिर या सेंटनर इनमें से किसी को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर काफी है, स्पिनर है वो ऑलरेडी, क्योंकि मोइन अली खुद एक स्पिनर है,
रवीन जडेजा खुद एक स्पिनर है, दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और दोनों विस्फोटक शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। तो अगर मिशेल सैंटनर या आपको इमरान ताहिर को मौका देना है तो किसको बिठाएंगे? नॉर्मल सी बात है, किसी को नहीं बिठा सकते, किसी को नहीं बिठा सकते। तो मुझे नहीं लगता कि मोइन अली या रवीन जडेजा को रोक के और इमरान ताहिर या सेंटर को खिलाएंगे, और खिलाना भी नहीं चाहिए। अब ये तो एमएसडी ही डिसाइड करेंगे कि कौन खेलेगा या कौन नहीं खेलेगा। पैटर्न को चेंजेस नहीं करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, आज का मैच बेहद ही रोचक होने वाला है, क्योंकि दो बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी, दो बेहतरीन कैप्टन आमने सामने होंगे। तो अब देखना यह होगा कि कौन किसके बल्ले से निकलेगा चौका और छक्का, और किस किसके और कौन करेगा पवेलियन पर आराम। तो बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट आईपीएल फीवर में।